पेज नंबर 1.4 जिसमें उन्होंने पार्टनरशिप डीड के कुछ कंटेंट सीखे हैं। पेज नंबर 1.4 इसमें पर्टिकुलर कंटेंट दिए हुए जनरल मैटर्स मैटर्स रिलेटिंग टू अकाउंट और रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 1.8 पर जो हमें याद रखना है। कल मैंने इसे कुछ रूल्स बताए थे, उसमें रूल्स में आप लोग सबसे पहले पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसमें वो लिख लें। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और लास्ट में इधर देख रहा हुआ है पॉइंट नंबर 9 और लास्ट, ये चार पॉइंट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 6, 7 और 8 और लास्ट के पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 6 में लेकर रखा हुआ है कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। नो रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या रहेगा, किसी भी पार्टनर को हम सैलरी नहीं देंगे तब जब उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है या इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डी। तो पहला रूल ये याद रखना है। पॉइंट नंबर 7 में हमने देखे रखा हुआ है नो इंटरेस्ट, किसी भी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और दिया जाएगा तो उतना जितना प्रॉफिट अवेलेबल है। तो अभी हम लोग बेसिक पॉइंट याद रखें, नो इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल। आगे में सब्जेक्ट के कुछ पॉइंट है, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना दे पाएंगे जितना हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल है। तो ये जब न्यूमेरिकल आएगा तब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी अपना मतलब ये याद रखना है कि किसी को सैलरी नहीं मिलेगी, किसी को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और 8 नंबर का पॉइंट लेकर रखा हुआ है उनके बीच में प्रॉफिट या लॉस का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल शेयर इक्वली। भले ही प्रॉफिट कम हो या लॉस हो वो कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वली। लास्ट पॉइंट है 6% ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि किसी पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट लोन देकर रखा हुआ हो तो उसको उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% से ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या जब उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप रूल हमें पॉइंट नंबर 6 पेज नंबर देने वाले का हुआ 1.8 बुक का, उसका 6, 7, 8 और 9 ये पॉइंट हमें हर हालत में याद रखना है जिसके बेस पर हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि
इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल, तो ये चार तो अपने को लिखना है, पांचवा एक और एक अपने को याद करना है, पांच मार्क्स का होता है, पांच पॉइंट लिखना और पांचों नंबर अपने को क्लीन करना है, बाकी के पॉइंट्स पढ़ना है लेकिन याद ये हर आधार पर रखना है। पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9 सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नंबर हमें याद रखना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय यदि डीड है तो डीड के मुताबिक करेंगे, डीड में तो लिखा रहेगा कि किसको कितना प्रॉफिट देना है, किसको सैलरी देना है, किसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लॉस हो तो कितना होगा, प्रॉफिट हो तो कितना होगा, लोन दिया हो तो लोन पे कितना इंटरेस्ट हो, सब किसके बेस पर दिया जाएगा, बेस्ड ऑन पार्टनरशिप डीड। लेकिन उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उनको इस बेस पर उनके डिस्प्यूट का सॉल्यूशन होगा, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछने में आता है, व्हाट आर द पॉइंट्स आर एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो आप लोगों को ये पॉइंट हमेशा हर हालत में याद रखना है, पेज नंबर 1.8, पॉइंट नंबर 6, 7, 8, 9 और एक पॉइंट और आपको याद करने जो आपको इजी लगता हो, केवल पांच पॉइंट याद करना है, पांच मार्क्स का थ्योरी में आता है। राइट इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल, 5 मार्क्स, तो ये चार पॉइंट अपने को सवाल के काम में आएंगे, थ्योरी भी साथ में देंगे, तो दो एक साथ काम करेगा, सवाल में भी हेल्प और थ्योरी में भी हेल्प, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद में अकाउंट्स बनाने की बात, अकाउंट्स में क्या करेगा, तो पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है और साथ में पार्टनर्स कैपिटल। मैंने पार्टनर्स कैपिटल के बारे में आप लोगों को बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में भी फिर दो अकाउंट बनेंगे, पहला बनेगा केवल कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, इसका देख रखा होगा पेज नंबर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पेज नंबर 1.8 पॉइंट नंबर 1.11 बुक्स का कौन सा पॉइंट है 1.11 और पेज नंबर देखे रखा हुआ है इसका 1.8, ये नंबर कितना दिया हुआ है 1.8। तो फिक्स में दो अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा केवल कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा करेंट अकाउंट और एक बनेगा फ्लक्चुएटिंग, उसमें से एक अकाउंट बनेगा। इसका फॉर्मेट भी बुक में देख रखा हुआ है पेज नंबर 1.9 पर, पेज नंबर 1.9 पर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट लेंगे, और फॉर्मेट पहला किसका लेंगे हम, कैपिटल अकाउंट का, फिक्स कैपिटल अकाउंट का। फिक्स कैपिटल अकाउंट को बनाने का तरीका रहेगा, इसका भी बुक में पेज नंबर 1.9 पर देकर रखा हुआ है पॉइंट नंबर 1.2। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्म पर्टिकुलर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले यदि हमने बिजनेस में पैसा लगाया है तो यहां पर लिखेंगे टू कैश या बैंक, जो कैपिटल लगाई है उसके लिए क्या था जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैपिटल अकाउंट या टू कैश। और कैपिटल अकाउंट का
यदि हमने ड्यूरिंग द ईयर और बिजनेस पर पैसा लगाया हुआ है तो उसको पेश करके लिखेंगे और इसका जो डिफरेंस होगा बैलेंस जो इसका माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डन और ये कौन सा बैलेंस हो जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस और अकाउंट क्लोज। ये ऑलरेडी हमारे को देखे रखा रहेगा, ये देखे रखा रहेगा, इसको ऐसे से लिखना है। ये बिजनेस प्रॉफिट पैसा लगा है तो टू बाइंग इस बैलेंस में टू बाइंग बैलेंस करने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस डबल बैलेंस क्लोज। तो फिक्स कैपिटल में जो अकाउंट बनेंगे उसमें से पहला कौन सा बना है कैपिटल अकाउंट, ये पहला वाला अकाउंट है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितनी ओपनिंग कैपिटल की है क्रेडिट में लिखेंगे, एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगे तो डेबिट में, और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा बैलेंस और ये हमारा कौन सा हो जाएगा बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। और इसके बाद इसी में जो दूसरा अकाउंट बनेगा वो है हमारा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट को भी लिखने का तरीका, उसमें पार्टनर्स को जो भी पैसा मिलता है या पार्टनर्स जो विड्रॉ करता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हो सकता है इस साल उन्होंने बैलेंस देख रखा होगा तो क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो क्रेडिट में लिख देना बाय बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस यदि देख रखा होगा तो ओपनिंग बैलेंस लिख देना, डेबिट में दिया होगा तो डेबिट में लिख देना और नहीं दिया होगा तो नहीं लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉड था पिछला बैलेंस आ गया, नॉट नेसेसरी कि देख रखा हो दिया हो तो क्रेडिट का क्रेडिट में लिख देना डेबिट का डेबिट में लिख देना। अब यहां पर मान लेते पार्टनर ए और बी है, यहां पर क्या लिखा हमने अमाउंट के बारे में ए और बी। अब पार्टनर को जो भी मिलेगा पार्टनर को फर्म से क्या मिलता है सैलरी मिलती है, पार्टनर को फर्म से क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को फर्म से और क्या मिलेगा पार्टनर को फर्म से मिलेगा कमीशन, हो सकता है उसे कमीशन भी हो। उसने यदि फर्म को लोन देकर रखा हो तो उस लोन पे क्या मिलेगा उसे इंटरेस्ट और लोन। जब मैंने 6% वाला रूल लिखा को याद रखना है उसका बाद में यूज करेंगे। उसी प्रकार से फर्म से जब कोई पार्टनर पैसा निकालता है तो उसे क्या बोलेंगे ज्वाइंट्स डेबिट में देंगे, और उस पे यदि कंपनी ने या इंटरेस्ट फर्म ने इंटरेस्ट किया होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये भी यहां पर डेबिट करेंगे। अब डेबिट की जोड़ लगा और क्रेडिट की जोड़ लगा, जो साइड बड़ी होगी उधर का बैलेंस निकालेंगे, मान लीजिए क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो फिर यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। यहां ये हो सकता है किसी पार्टनर का डेबिट बैलेंस ज्यादा होगा या हो सकता है क्रेडिट ज्यादा होगा, दोनों के क्रेडिट ज्यादा हो सकते हैं तो इधर बैलेंस, किसी का इनकम ज्यादा होगा तो अकॉर्डिंगली बैलेंस लिखना है। सिमिलरली उल्टा होना है कि डेबिट साइड की जोड़ ज्यादा हो और क्रेडिट साइड की टोटल कम हो तो फिर यहां पर हम क्या लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन और जिसका बैलेंस होगा उसको उसके अकाउंट में लिखे डबल अंडरलाइन क्लोज। तो अपने को इसमें ये अकाउंट दो बनाने हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने अकाउंट बनाने दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल और दूसरा बनेगा हमारा करंट अकाउंट। फिक्स का मतलब होता है जितनी ओपनिंग में उतनी ही क्लोजिंग में, इसलिए उसका नाम लेके रखा हुआ है फिक्स कैपिटल और दूसरे का नाम लेके रखा हुआ है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो भी पार्टनर को मिलता है पार्टनर्स यहां पर वर्ड क्या हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल में कैपिटल वर्ड यूज करा करंट अकाउंट में करंट वर्ड यूज करेंगे। तो जो भी पार्टनर को मिलता है पार्टनर को सैलरी मिली पार्टनर के लिए इनकम क्रेडिट में लिख गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिला इनकम है क्रेडिट में लिख गया, कमीशन मिली इनकम है क्रेडिट में लिख दिया, लोन यदि फर्म को दिया उसमें इंटरेस्ट मिला वो भी इनकम है क्रेडिट में लिख दी। लेकिन फर्म से जब वो पैसा निकालता है ड्राइंग्स मतलब उसके खर्चे करने के लिए तो ड्राइंग्स डेबिट होगा, उसमें यदि इंटरेस्ट होगा तो वो भी डेबिट होगा और उसका डिफरेंस होगा बैलेंस। तो करंट अकाउंट में हो सकता है ओपनिंग बैलेंस दिया होगा तो डेबिट में दिया होगा तो डेबिट में लिखना, क्रेडिट में दिया होगा तो क्रेडिट में, और दोनों ही नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट एंट्री हमारी बाकी की स्टार्ट हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो। नहीं दिया है तो सीधे यहां से स्टार्ट करो सैलरी इंटरेस्ट कमीशन लोन एसेट और दोनों का डिफरेंस निकालो, ये कहलाता हमारा फिक्स।
फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो आज अभी अपन इसमें केवल फिक्स अकाउंट कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, बाकी क्या करंट अकाउंट का ये डिटेल अपने तैयार करना है। तो पे नंबर जो मैंने लिखा है उसके ऊपर आपको एक बार पढ़े, बाकी का डिटेल बाद में।